नमस्कार दोस्तों, सुहागरात के बाद रात 12 बजे दूल्हा रहस्यमय ढंग से हुआ गायब। 9 दिन से इंतजार कर रही है दुल्हन। राजस्थान से एक दूल्हा लापता है। नई नवेली दुल्हन और परिजन बीते 9 दिनों से उसका इंतजार कर रहे हैं। सुहागरात के बाद रहस्यमय ढंग से गायब हुआ दूल्हा इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के करौली जिले के कुंड गाँव इलाके में गांव दहमौली निवासी पुष्पेंद्र ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की है कि उसके भाई आशीष कुमार उर्फ गोलू की शादी 9 दिन पहले हिंडौन तहसील के एक गांव में हुई थी। शादी होने तक सब कुछ ठीक था, मगर शादी के अगले दिन रात 12 बजे आशीष अपनी दुल्हन को शौच करने जाने की कहकर घर से बाहर निकला था। उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। आशीष का काफी देर तक इंतजार करने के बाद दुल्हन ने परिजनों को सूचना दी, जिस पर सभी ने दूल्हे की तलाश शुरू कर दी। उसके मोबाइल पर फोन किया तो पता चला कि उसका मोबाइल घर पर ही रखा मिला। ऐसे में उसकी तलाश में पुलिस को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने दूल्हे के भाई पुष्पेंद्र की रिपोर्ट पर गुमशुदा की तलाश करना शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि दूल्हा अपनी किसी अलग गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया होगा? आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।